और अभी आपको बताएं कि दिगर ममालिक की तरह अमरीकी मईशत को भी वायरस लग गया है और कोरोना के बाद अमरीका में बेरोजगारी में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और लाखों अफराद बेरोजगारी अलाउंस के लिए पहुंच गए। कोरोना वायरस के अमरीकी मईशत पर असरात वाज़े होने शुरू हो गए हैं, जिसके बाद बेरोजगारी अलाउंस की दरखास्तों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एक हफ्ते में 32 लाख से ज्यादा मुलाजमीन ने बेरोजगारी मराद के लिए दरखास्तें दी हैं, जिसकी वजह से अमरीका में एक दिहाई से जारी रोजगार की मंडी में रिकॉर्ड नमू यकदम रुक गई है। बड़े अमरीकी शहरों में बेरोजगारी बहबूद का निजाम शदीद दबाव का शिकार है और जानलेवा वबा के बाद से अमरीका में बेरोजगारी की शरह माजी के मुकाबले में 5 गुना बढ़कर 13% तक जा पहुंची है और अमरीका में पहली बार बेरोजगारों की तादाद 33 लाख के लगभग हो गई है और उसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। अमेरिका में कोरोना वायरस से लाखों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि कारोबार, स्कूल, खेलों के मुकाबले समेत सब काम बंद हैं और तमाम माशी सरगर्मियां भी मुअत्तल हैं। वीरान सड़कें, माल खाली परवाजें और ट्रेनें खौफनाक हकीकत की शक्ल इख्तियार कर रही हैं और अमेरिकी मईशत भी बुरी तरह मुतासर है।